नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग देख लेते हैं, फारस की खाड़ी के बारे में जान लेते हैं। इसी से संबंधित ही आपका आर्टिकल लिखा गया है, तो देखेंगे कि किस संदर्भ में इसे लिखा गया है और इसकी एक सामान्य पृष्ठभूमि भी जान लेंगे हम लोग, इसकी मैप्स में स्थिति भी देख लेंगे आपकी, सऊदी अरब और ईरान की क्या स्थिति है इसमें उसे भी देख लेंगे, तेल पर केंद्रित पश्चिम एशिया का भूगोल क्या है उसे भी देख लेंगे, तेल के मामले में अमेरिका की क्या आत्मनिर्भरता है उसे देखेंगे, और क्या है खाड़ी सहयोग परिषद, आप लोग अक्सर समाचारों में सुनते रहते हैं, उस पर भी चर्चा कर लेंगे, खाड़ी देशों की चुनौतियां क्या क्या हैं उन्हें भी देखेंगे, और सामूहिक सुरक्षा नीति में आपका GCC की क्या भूमिका है उसे भी देख लेंगे, और सबसे बड़ी बात आपके भारत के लिए खाड़ी देशों का क्या महत्व है उसे भी देख लेंगे। तो सबसे पहले आप लोग मैप्स में स्थिति देख लीजिए खाड़ी की, फारस की खाड़ी, ये आपका प्यारा भारत है, एशिया में दिख रहा है नीचे श्रीलंका, ये बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऊपर ये आपका ये चीन लगा हुआ है, ठीक है, ये आपका अरब सागर है और नीचे ये आपका हिंद महासागर फैला हुआ है, ये आपकी अदन की खाड़ी है, लाल सागर है, ये आपकी ओमान की खाड़ी है, यहाँ है आपकी फारस की खाड़ी, देख रही है आपको कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, ये आपका ईरान, इराक, कुवैत सिटी है, देख रहा है, ठीक है, यही है आपकी फारस की खाड़ी, ये आपका भारत हो गया। तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज। फारस की खाड़ी पश्चिम एशिया में हिंद महासागर का एक विस्तार है आपका, जो ईरान और अरब प्रायद्वीप के बीच फैला हुआ है। संयुक्त राष्ट्र इस जल स्रोत की को फारस की खाड़ी के रूप में परिभाषित करता है, जो आपका UN है ये इसे फारस की खाड़ी के रूप में परिभाषित करता है। इस जल स्रोत के चारों ओर की भूमि को 8 खाड़ी देशों जिसमें आपका बहरीन, इराक, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा संयुक्त रूप से साझा किया जाता है, यानी कि इससे लगे हुए देश हैं। इन खाड़ी देशों का कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक होने के कारण उनके बीच आर्थिक हितों की समानता भी है। इन सभी देशों में आपके कच्चे तेल का भी उत्पादन अच्छा होता है और प्राकृतिक गैसों का भी उत्पादन अच्छी खासी मात्रा में होता है, और इस तरह खाड़ी देश वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भारत की खाड़ी के कारण इस क्षेत्र का भू राजनीतिक महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ईंधन के रूप में तेल और प्राकृतिक गैस का कितना महत्व है। शायद आप समझ सकते हैं हम लोग कि अर्थव्यवस्था का आगे बढ़ाना इसके बगैर संभव भी नहीं है, ठीक है। इस क्षेत्र में शक्ति के 2 केंद्र हैं आपकी, जहां एक ओर सिया मुस्लिम बहुल ईरान तो वहीं दूसरी ओर सुन्नी मुस्लिम बहुल सऊदी अरब। ईरान में आपके सिया मुस्लिम रहते हैं और जो आपका सऊदी अरब है इसमें सुन्नी मुस्लिम रहते हैं। पश्चिम एशिया में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए दोनों शक्तियां कई बार एक दूसरे के सामने आ चुकी हैं, यानी कि इनके सामने इनमें आपस में युद्ध भी होते रहते हैं। इतना ही नहीं, फारस की खाड़ी में तैनात युद्ध पोतों और मालवाहक पोतों पर संयुक्त राज्य अमेरिका व ईरान द्वारा एक दूसरे पर हमला करने की धमकी से इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है। ऐसी स्थिति में शांति बहाल करने हेतु इस क्षेत्र में सामूहिक सुरक्षा की नीति को अपनाने पर बल दिया जा रहा है, जिसमें आपका खाड़ी सहयोग परिषद की प्रमुख भूमिका ने इनकार नहीं किया जा सकता है। जो खाड़ी सहयोग परिषद है इसकी भूमिका इसमें होगी इसे शांति बनाए रखने के लिए। इसकी पृष्ठभूमि की अगर हम लोग बात करें तो 1970 से 8 दशक पूर्व तक इस जल स्रोत का नियंत्रण और पर्यवेक्षण ब्रिटिश शासन के द्वारा किया जाता था, यानी कि आपको पता होगा जब ब्रिटिश शासन का इन सभी क्षेत्रों पर अधिकार रहा है उस दौरान इस क्षेत्र में किसी प्रकार की आपसी प्रतिस्पर्धा कम ही देखने को हमें मिलती थी। ये आपने देख ही लिया है,
ये है आपकी भारत की खाड़ी, ठीक है, ओमान की खाड़ी है आपकी, ईरान, इराक, सऊदी अरब, ये आपका कुवैत हो गया, यूनाइटेड अरब अमीरात, ओमान, ठीक है। 1970 के दशक के अंतिम दौर में इस क्षेत्र में तेल के भंडार पाए जाने के बाद कई क्षेत्रीय शक्तियां उभरने लगीं। वह क्षेत्र आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बन गए। इस क्षेत्र में सऊदी अरब व ईरान के बीच चल रहे तनाव के कारण वर्ष 1975 में मैनिकसन और कार्टर डॉकटिन के द्वारा एक सामूहिक सुरक्षा नीति का प्रस्ताव रखा गया, परंतु इस प्रस्ताव को इराक की बाथ पार्टी के द्वारा निरस्त कर दिया था। ईरान इराक युद्ध के बाद शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने वर्ष 1987 में प्रस्ताव 598 के द्वारा इस क्षेत्र में शांति और स्थायित्व स्थापित करने का प्रयास भी किया। अब बात करते हैं सऊदी अरब और ईरान की स्थिति इसमें क्या है। ऐसा ही एक क्षेत्रीय संघर्ष आपका सऊदी अरब और ईरान के बीच चल रहा है। बस 1979 में ईरानी क्रांति के समय से ही सिया प्रभुत्व वाले ईरान और सुन्नी प्रभुत्व वाले सऊदी अरब में एक दूसरे के प्रति शत्रुता की स्थिति बनी हुई है। पिछले 4 दशकों में इन दोनों देशों के बीच तनाव में लगातार वृद्धि की हुई है। इन दोनों देशों के सहयोगी राष्ट्रों का विशिष्ट समूह है और इन राष्ट्रों के एक दूसरे के साथ प्रतिकूल संबंध भी हैं। इसके कारण पश्चिम एशिया की भू राजनीति काफी अस्थिर है। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि वह इस क्षेत्र में एक निष्क्रिय खिलाड़ी बनकर दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में सक्षम भी रहा है आपका। ऐसा इसलिए है क्योंकि खुले तौर पर किसी एक देश का पक्ष लेना इसके राष्ट्रीय हितों के लिए बेहद हानिकारक होगा हमारे लिए, ठीक है। फिर आपका तेल पर केंद्रित पश्चिम एशिया का भूगोल क्या है उसे देख लीजिए। आकूत तेल के भंडार मिलने के बाद पिछले एक सदी से पश्चिम एशिया का भूगोल राजनीति, सुरक्षा और स्थिरता तेल पर ही केंद्रित रही है आपकी। तेल के मुद्दे पर ही राष्ट्रों का निर्माण हुआ है और सत्ता परिवर्तन हुए और युद्ध भी लड़े गए। प्रथम विश्व युद्ध से लेकर द्वितीय खाड़ी युद्ध तक का इतिहास पश्चिमी शक्तियों द्वारा पश्चिम एशिया क्षेत्र में तेल तक पहुंच को सुरक्षित रखने पर ही केंद्रित रहा है आपका। पिछले एक दशक में जब से ऊर्जा के मामलों में अमेरिका की आत्मनिर्भरता बढ़ी है तब से अमेरिकी नीति केवल तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के बजाय आपूर्ति के स्रोत पर नियंत्रण की दिशा में भी काम करने लगी है। पश्चिम एशिया क्षेत्र में फिर से उत्पन्न तनाव ईरान प्रायोजित आतंकवाद पर केंद्रित नहीं है बल्कि इसका मंतव्य ईरान द्वारा उत्पादित तेल पर नियंत्रण करना है। फिर आपका तेल के मामले में अमेरिका की आत्मनिर्भरता क्या है उसे देखिए। ऊर्जा बाजार में संरचनात्मक परिवर्तन ने विशेष रूप से आयातित तेल पर अमेरिकी निर्भरता और सामान्य रूप से हाइड्रोकार्बन पर पश्चिमी निर्भरता में कमी की। ट्रांस अटलांटिक देश यानी कि विशेष रूप से अमेरिका अखाड़ी के तेल पर निर्भर नहीं रह गया है। दूसरी तरफ आप चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत सहित अन्य एशियाई अर्थव्यवस्थाएं अभी भी आपकी खाड़ी के तेल उत्पादन पर ही निर्भर रहती हैं। खाड़ी देश में अशांति और अस्थिरता अमेरिका की तेल कंपनियों के लिए लाभदायक स्थिति प्रदान करती है और अमेरिका की कोशिश भी यही रहती है कि यहाँ अस्थिरता बनी रहे, अशांति बनी रहे, जिससे उसे क्योंकि वो भी निर्यात एक तेल का बहुत बड़ा निर्यात भी करने लगा है। जहां तक हमारे भारत का प्रश्न है तो आयातित तेल हमारी निर्भरता में पिछले दशक से काफी वृद्धि हुई है। अब घरेलू खपत का लगभग 90% से अधिक कच्चा तेल हम लोग आयात करते हैं। ऐसे में तेल और गैस की आपूर्ति करने वाले विश्व के सबसे बड़े क्षेत्र को अस्थिर कर अमेरिका एशियाई आर्थिक विकास की राह में हर तरह की बाधा उत्पन्न कर रहा है ताकि राइजिंग एशिया को असंतुलित कर सके और यहाँ अशांति स्थापित कर सके। अब बात करते हैं सीसी क्या है आखिर, क्या है खाड़ी सहयोग परिषद। खाड़ी सहयोग परिषद अरब प्रायद्वीप में
छह देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन है जिसमें आपका बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। ठीक है, बस 1981 में स्थापित हुई है। जीसीसी छह देशों के बीच आर्थिक सुरक्षा, सांस्कृतिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देता है और सहयोग तथा क्षेत्रीय मामलों पर चर्चा के लिए करने के लिए प्रत्येक वर्ष एक शिखर सम्मेलन भी करता है। खाड़ी सहयोग परिषद का मुख्यालय आपका रियाद सऊदी अरब में है। खाड़ी सहयोग परिषद के कार्य संचालन की भाषा आपकी अरबी है। कौन सी है? अरबी। बस 2019 में खाड़ी सहयोग परिषद का 40वां शिखर सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था 2019 में। खाड़ी देशों की चुनौतियां क्या क्या हैं, आखिर उन्हें देखते हैं। वैश्विक लॉकडाउन के कारण हाइड्रोकार्बन की खपत में कमी आ गई है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के बाद कच्चे तेल के उपभोग में प्रतिदिन 28 मिलियन बैरल की गिरावट दर्ज की गई। कितनी? 28 मिलियन बैरल, एक बहुत बड़ी मात्रा होती है। कच्चे तेल की मांग में अत्यधिक गिरावट के कारण उत्पादन कम करने को लेकर तेल उत्पादक देशों के संगठन और रूस के मध्य हो रही वार्ता भी विफल हो गई। परिणाम स्वरूप मांग में कमी और उत्पादन जस का तस बना रहने के कारण कच्चे तेल के मूल में अप्रत्याशित गिरावट देखी गई है। आपने अभी आपने ये भी चर्चा में सुना होगा कि तेल इतना गिर गया, तेल की कीमत, कि तेल के बदले पैसा भी दिया जा रहा है, यानी कि तेल भी दिया जा रहा है कच्चा तेल और बदले में उन्हें पैसा भी दिया जा रहा है। एक आपका डिमांड और सप्लाई की होती है, यानी कि जिसकी डिमांड होगी तो उसकी कीमत बढ़ेगी। और जब आप सोचिए कि डिमांड गिर जाए, यानी कि एक उदाहरण ले सकते हैं आप लोग टमाटर का, कि आपके बाजार में टमाटर की कमी हो और डिमांड ज्यादा हो, यानी कि मांग ज्यादा हो, लोग खरीदने वाले अधिक हो, तो क्या होगा कि कीमत बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है, तो कीमत बढ़ जाएगी। अगर आप सोचिए कि टमाटर से पट जाए बाजार, यानी कि अधिक मात्रा में टमाटर उपस्थित हो, तो स्वाभाविक सी बात होती है कि अगर मांग कम हो जाती है और आपूर्ति अधिक होती है तो उससे आपका उसकी कीमत गिर जाती है। तो तेल के साथ भी अभी यही हुआ लॉकडाउन के समय कि इसमें मांग में कमी हो गई, उत्पादन जिसका तस बना हुआ था, तो कहाँ जाए वो, तो मूल्य में गिरावट देखी गई, माइनस तक देखी गई। तेल उत्पादक देशों के संगठन और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के आकलन के अनुसार वर्ष 2020 में दूरगामी आर्थिक और सामाजिक परिणामों के साथ विकासशील देशों के तेल और गैस राजस्व में आपकी 50% से 85% की गिरावट आएगी। वर्ष 2020 में सऊदी अरब का राजकोषीय घाटा 8% से अधिक हो जाने की हमें संभावना है। वैश्विक महामारी कोविड-19 ने, यानी कि कोरोना वायरस ने ईरान व्यापक तौर पर प्रभावित हुआ है आपका। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण ईरान अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सहायता भी नहीं प्राप्त कर पा रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ईरान बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध भी इस पर थोपे जा रहे हैं। और अमेरिका ने आपसे देखा है कि इसने समझौता भी किया, फिर भी अमेरिका ने इस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। फिर है आपकी सामूहिक सुरक्षा नीति में आपकी जीसीसी की क्या भूमिका है, उसे भी देख लीजिए। जीसीसी सदस्य देशों के बीच आर्थिक सुरक्षा और सांस्कृतिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देता है। यदि यह संगठन ईरान के साथ वार्ता करने की पहल करता है तो निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम की उम्मीद की जा सकती है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के परिणाम स्वरूप सभी खाड़ी देशों में पेट्रोलियम का उत्पादन नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है। चूंकि तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक में जीसीसी सदस्यों के अतिरिक्त ईरान भी आपका शामिल है, अतः सामूहिक लाभ को प्राप्त करने हेतु सभी खाड़ी देशों को एक मंच पर लाया जा सकता है। उन्हें इस बात पर सहमत किया जा सकता है कि सामूहिक लाभ को प्राप्त करने के लिए फारस की खाड़ी को स्पर्श करने वाले सभी देशों को सामूहिक सुरक्षा नीति पर मिलकर हमें कार्य करना होगा। आखिर भारत के लिए खाड़ी देशों का क्या महत्व है, उसे भी दिख लीजिए आप। वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत और खाड़ी देशों के बीच लगभग 162 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ है। कितना?
162 यह एक वर्ष में भारत के द्वारा पूरे विश्व के साथ किए जाने वाले व्यापार का 20% है। कितना? 20%। लगभग आपका 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस खाड़ी देशों से आयातित की जाती है, क्योंकि हम अपने उपभोग का 90% तक आयात करते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस खाड़ी देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीय लगभग आपके 40 बिलियन डॉलर की धनराशि भी प्रेषण के माध्यम से भारत को भेजते हैं। आपके सऊदी अरब भारत को हाइड्रोकार्बन आपूर्ति करने वाला इस क्षेत्र का सबसे बड़ा आपका देश बना हुआ है। खाड़ी क्षेत्र हमारी विकास की अहम जरूरतों जैसे आपका ऊर्जा संसाधन, कॉरपोरेट क्षेत्र के निवेश के मौके और लाखों लोगों को नौकरियों के भरपूर अवसर भी देता रहा है, अभी भी देता है। जहाँ ईरान हमें अफगानिस्तान, मध्य एशिया, यूरोप तक पहुँचने का रास्ता भी उपलब्ध कराता है, तो वहीं ओमान हमें पश्चिम हिंद महासागर तक पहुँचने की राह भी दिखाता है। आगे की इसमें राय क्या हो सकती है उसे भी देख लीजिए। भारत को खाड़ी देशों की सामरिक सुरक्षा नीति का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि खाड़ी देशों में शांति व स्थायित्व निश्चित रूप से भारत के लिए, हमारे लिए लाभकारी साबित होगा। भारत को खाड़ी देशों के साथ तालमेल के लिए नए चालकों को खोजने की आवश्यकता है। यह खोज स्वास्थ्य सेवा में सहयोग के साथ शुरू हो सकती है और धीरे धीरे दवा अनुसंधान और उत्पादन, पेट्रोकेमिकल, भारत में बुनियादी ढांचे के निर्माण और तीसरे देशों में कृषि, शिक्षा, कौशल के साथ साथ अरब सागर में निर्मित द्विपक्षीय मुक्त क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों की ओर बढ़ सकती है। आपकी खाड़ी क्षेत्रों में अमेरिका के हस्तक्षेप को रोकने के लिए आवश्यक है कि खाड़ी देशों को सामूहिक सुरक्षा की नीति पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। तो ये कहानी थी आपकी पूरी भारत खाड़ी पर आधारित। ठीक है।